गाइस जंगल की तरफ भागो जल्दी। अभी ये तो हमें कहाँ लिया है गाइस, ये घना जंगल ही में बचाएगा। चलो बस भागते रहो। बॉस बिना किसी पावर के ये तो हमें खा ही जाएगा। माया हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा हौसला है, हमारी हिम्मत है, और जब तक वो हमारे साथ है हमें कोई नहीं हरा सकता। भागते रहो। चोर नहीं भगे जाएगा, सांस भी फूल रही है। गाइस बस थोड़ी देर रहो, हिम्मत मत हारो। मेरी नागिन, मैं उसके लिए मर रहा हूँ। शकुर तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अब ये कौन सा नया ड्रामा है? आओ ये नौटंकी नहीं है मेरी, आओ तुम शादी के लिए जल्दी से हाँ कर दो, वरना मैं कूद जाऊंगा, फांस जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। नहीं नहीं शकुर तुम ऐसे मत करना, अगर तुम गिर गए और मर गए तो मेरा क्या होगा? शकुर तुम रुको, वही रुको, मैं अभी आऊंगी तुम्हें बचाने के लिए। हाँ अच्छा, थोड़े से ही डराने में मेरी आओ डर गई, शादी के लिए हाँ कर गई। शकुर अब तो तेरी शादी ओके रहेगी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं अभी कुछ करता हूँ। जो भी करना है जल्दी करो। अब हम इस टापू पर फंस गए और वो ब्लैक मून में बाबा को लेकर अपनी शिप के साथ चला गया। अब उसका सो सारी चीजें जिससे काली गुफा में जाकर खजाना पाने के लिए पापा और गुरुकाल की आहुति चढ़ा देगा। उसे ये नहीं पता कि पापा नहीं मैं सफेद माया हुई हूँ, सब मेरी गलती है। काश मैं अपनी जान के बदले पापा की जान बचा सकता। बॉस तो टेंशन मत ले, जब ब्लैक मुंबा को पता चलेगा कि उसने तेरी वजह अंकल को पकड़ लिया तब वो उनकी आहुति नहीं देगा, क्योंकि तब तक हमें उन्हें बचाने का वक्त मिल जाएगा। ओए वहां पर देखो, वहां पर कुछ चमक रहा है, चलो चलकर देखते। ये तो बिल्कुल वैसा ही नक्शा है जैसे ब्लैक मुंबा के पास है, मतलब हम इससे उसका पीछा कर सकते हैं।
की इच्छा कर सकते। ओए हलवा है क्या? उसके लिए हमें बड़ी शिप चाहिए। इतनी बड़ी शिप हम कहाँ से लाएंगे? गाइस इसमें लिखा है कि इस टापू पर एक जहाज है, लेकिन वो बहुत ही बेकाबू है, और उसे काबू करने के लिए हमें उसके चालक चक्के पर अपने हाथों का छाप डालना पड़ेगा। चालक चक्का मतलब क्या? स्टीयरिंग व्हील, जैसा कार में होता है। स्टूपिड। गाइस जल्दी से भागो। मेरा मौन व्रत खत्म होने में अभी 5 मिनट बाकी है, और अभी तक बच्चों की और आदित्य की कोई चिट्ठी भी नहीं आई है। क्या घड़ी? माँ जी, हाँ? लगता है दीदी को चिट्ठी लिखनी है ना? हाँ, चिट्ठी। क्या हुआ? कैसे समझाऊं कि मैं बच्चों की चिट्ठी की बात कर रही हूँ? मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो रही है। अरे बहू, ये हाथ ऊपर नीचे क्या कर रही हो? क्या कहना चाहती हो? हाथ नहीं, सांस। मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है। सांप का इशारा करके सांस समझाती हूँ, शायद उन्हें हिंट मिल जाए। क्या? This is sad. Maji. दीदी अपना मौन व्रत तोड़िए ना, उनको बताइए ना, वरना सर्दी के मौसम में हमारे पसीने छूट जाएंगे। किधर सांप? अरे बोलो ना, अरे बताइए ना। अरे सांप नहीं, सांस। बेवकूफ, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि अभी तक बच्चों को और आदित्य की कोई चिट्ठी नहीं आई है। बहू, थोड़ी देर के लिए तो तुमने हमारी जान ही निकाल ली थी। डर तो मैं गई हूँ माँ जी, पर अगर थोड़ी देर और अगर आदित्य और बच्चों की कोई खबर नहीं आई ना, तो मैं खुद महागुरु की गुफा में चली जाऊंगी। बॉस, इससे पहले ये शिप हमें मारे, हमें इसे नष्ट करना होगा। नहीं मैं, हमें कुछ भी करके शिप को काबू में लाना होगा, वरना ना ही वो उस ब्लैक मुंबा का पीछा कर पाएंगे और ना ही बाबा को बचा पाएंगे। ये शिप हमें मारनी पर तुली हुई है, तो फिर इसके ऊपर तू चढ़ेगा कैसे? ये जहाज ना तुम्हारी आवाज सुनकर हम पर हमला कर रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम लोग चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, तब तक मैं जाके ना और मैं जाके उस शिप को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा, ठीक है? नक्शे में लिखा था कि इस पर अपने हाथ का छाप डालने से ये काबू में आ जाएगी। बच भी गए। अरे मैं
तुम्हें शिप भी मिल गई। अब जल्दी चलो। आदित्य और बच्चों की अभी तक कोई खबर नहीं है। अगर चिट्ठी जल्दी से नहीं आई तो रुक्मिणी महागुरु के पास चली जाएगी, और अगर बच्चे किसी काम से जादुई लोक में चले गए होंगे तो रुक्मिणी को सब पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मैं बहू को कैसे रोकूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? आइडिया, मैं बच्चों की ओर से एक चिट्ठी तैयार करती हूँ, तो वो पढ़कर रुक्मिणी आ जाएगी नहीं। ठीक है, मैं क्या लिखवाती हूँ? उठा कलम, लिख चिट्ठी पर ये शब्द समूह। आदित्य और बच्चे महागुरु की गुफा में सही सलामत पहुंच गए हैं। यहाँ सब ठीक ठाक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चिजंता ममंद्रम इच्छा उद्यम। और माजी योगा होगा चल रहा है। ये क्या हो रहा माजी? अरे मेरा मुंह अखबार नहीं है माजी। ये क्या गड़बड़ हो गई? ये कहां से आ गया? हाय, अगर रुक्मिणी आ गई और उसने देखा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी कि नहीं? अब हमें जादुई शिप के जरिए ब्लैक मुंबा के शिप का पीछा करके काली गुफा तक पहुंच जाएंगे, वो भी दुगनी स्पीड से। गाइस, देखो इसमें कुछ लिख क्या है। फौलादी पहाड़ तक जाओ, वहां खोजो एक दूरबीन, जिससे तुम्हें विचित्र टापू पर काली गुफा तक का रास्ता मिलेगा। हमें काली गुफा तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। हाँ बस, और ये शिप हमें अपनी मंजिल तक ले जा रही है। बरसों का इंतजार होगा खत्म, बहुत जल्द ब्लैक मुंबा होगा फौलादी पहाड़ी पर, और जादुई दूरबीन उसे दिखाएगा विचित्र टापू की काली गुफा। उसके बाद मैं इन दोनों की आहुति दूंगा, और कुबेर से भी ज्यादा खजाना होगा ब्लैक मुंबा के पास। गुरु काल की चाल तो उल्टी पड़ गई। हवी को मारने के चक्कर में मैंने ही दे दिया अपनी मौत को न्योता। गुरु काल वेरी अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पी। दूसरा जहाज जरूर ये उन तीन बच्चों का होगा, आने दो उनको। अब की बार ब्लैक मुंबा उन तीनों के खूनों का खंबा पी जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा ब्लैक मुंबा। आए मटका। अरे क्या कर दिया, अगर बच्चे ने मेरे सर को मटका देख लिया तो मुझे मटका मामा मटका।
समझ रखा है? कभी भी कुछ भी बना देती हो। कोई बात नहीं डुक्कू, पर ये तेरे सर पे मटका आने से पहले तू क्या बोल रहा था? मैं बता रहा था। अरे क्या बताऊं मैं, ये पता नहीं क्या क्या टोटे के टोने होते रहते इस घर के अंदर। मेरे मुंह पे कभी कोई अक्षर बन रहा था, कभी क्या छप रहा था, ऐसा लग रहा था मैं कोई दैनिक संध्या का अखबार हूँ, खबरों पे खबरें छपती जा रही है। मुझे तो लग रहा दीदी कोई जादू चिट्ठी विट्ठी छप रही थी मेरे मुंह पे। इच्छा ये देखो चिट्ठी आई है, बच्चों ने भेजी है। पढ़ो पढ़ो, इसमें इसमें लिखा है कि वो लोग सुरक्षित है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी पता नहीं क्यों ये चिट्ठी पढ़ने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी आदित्य और बच्चे किसी मुसीबत में हैं। रुक्मिणी तुम्हें तो चिंता करने की आदत हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब वहां ठीक हैं, चिंता मत करो। हमें बचने का रास्ता मिल गया, लेकिन हम जितने भूतों को भी मारे वो वापस जिंदा हो जाए, और जो भूत पानी में गिर गए ना वो वापस जिंदा नहीं होंगे। ओए अभी क्या करें, जल्दी कुछ बता ना। गाइस इतने सारे लोगों को हम पानी में गिराएंगे पर कैसे? गाइस मेरे पास एक आइडिया, लेकिन तुम लोग शिप को पकड़ लो, छोड़ना मत। ठीक है? ठीक है। बस उम्मीद करते कि हम वक्त से पहले ब्लैक मुंबा को हराने में कामयाब हो जाए। बच्चों को ब्लैक मुंबा से पंगा लेना पड़ेगा महंगा। अब तुम्हारे जहाज को ही तुम्हारी कब्र बनाएगा ब्लैक मुंबा।